गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन की परंपरा प्रचलित है, लेकिन करौली में आराध्य देव मदन मोहन जी के दरबार में गुरु पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भगवान मदन मोहन जी के परम भक्त सनातन गोस्वामी का आज के दिन देवलोक गमन हुआ था। गौड़ी संप्रदाय के लोगों ने मुंडन करवाकर गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई। इसके बाद से आज के दिन मदन मोहन जी को पगड़ी धारण नहीं कराई जाती, विशेष मुकुट पहनाया जाता है। गौड़ी संप्रदाय के लोग इसे अलग तरह से मानते हैं। इस मौके पर मदन मोहन जी मंदिर के पुजारी किशोर चक्रवर्ती से फर्स्ट इंडिया एक खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी के प्रथम सेवक थे। सनातन गोस्वामी की सेवा से अभिभूत होकर भगवान मदन मोहन जी ने यमुना नदी में नमक भरी नाव को कपूर की नाव में बदल दिया था। सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया। मुड़िया पूर्णिमा पर सदन मोहन जी मंदिर में दो दिन विशेष कीर्तन होता है। पहले दिन अधिवास कीर्तन होता है और दूसरे दिन मधुकरी वितरण किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन और शिष्यों द्वारा गुरु की आराधना का विशेष महत्व है, लेकिन करौली के आराध्य देव मदन मोहन जी मंदिर में गुरु पूर्णिमा का विशेष ही महत्व है। मदन मोहन जी भगवान के प्रथम सेवक सनातन गोस्वामी का आज देवलोक गमन हुआ था और इसके कारण भगवान मदन मोहन आज अपनी पगड़ी धारण नहीं करते, उन्हें बिना पगड़ी के ही मुकुट पहनाया जाता है। इस तरह की कुछ विशेष परंपराएं मदन मोहन जी मंदिर में कायम हैं। आज मदन मोहन जी पुजारी किशोर चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, उनके पिताजी अनूप चक्रवर्ती जी भी हैं। किशोर जी से जानते हैं क्या मुड़िया पूर्णिमा का महत्व है और मदन मोहन जी में किस प्रकार की परंपराएं आज निभाई जाती हैं। किशोर जी, क्या महत्व है और किस प्रकार परंपराएं निभाई जाती हैं और सनातन गोस्वामी का क्या एक तरह से उनके बारे में आप बताना चाहेंगे? मुड़िया पूर्णिमा सनातन गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा भी है, क्योंकि इस दिन भगवान वेदव व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने 18 पुराण और भागवत की रचना की थी, इसलिए गुरु पूर्णिमा बनाते हैं। किंतु हमारे जो गौड़िया संप्रदाय है उसमें सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव इसी दिन हुआ था, इसलिए उस दिन सभी वैष्णव वृंदों ने अपना सिर का मुंडन कराकर गोवर्धन परिक्रमा की थी और उसी दिन से मुड़िया पूर्णिमा के रूप में इसको मनाने लगे। सनातन गोस्वामी भगवान मदन मोहन के प्रथम सेवक थे। वे मथुरा के चौबे से मदन मोहन जी को मांग के लाए थे और उन्होंने द्वादश आदित्य लीला पे मदन मोहन जी की स्थापना की थी और उसके बाद मदन मोहन जी ने अपनी लीला के द्वारा कपूर सेठ के जहाज़ को, नमक के जहाज़ को रोका कर वहाँ पर मंदिर, विशाल मंदिर बनवाया था। और कालांतर में उसके बाद औरंगजेब के आक्रमण के कारण मदन मोहन जी पहले जयपुर आए, फिर करौली आए और फिर करौली में भी वही परंपरा, सनातन गोस्वामी सेवित विग्रह हैं तो सनातन गोस्वामी की हम परंपरा के सभी वैष्णव हैं तो उनकी से परंपरा में ही इसको मुड़िया पूर्णिमा के मनाया जाता है। इस दिन दो दिन, हमारे दो दिन ये कार्यक्रम चलता है। पहला दिन अधिवास का कीर्तन होता है, उसके बाद मदन मोहन जी का सेवा होती है। सेवा में मदन मोहन जी इस दिन पाक धारण नहीं करते, क्योंकि उनके जो सेवक थे सनातन गोस्वामी, उनका तिरुभाव हुआ था तो उसके उनके शोक में, उनकी याद में मदन मोहन जी पाक ना धारण करके मुकुट, विशेष मुकुट धारण करते हैं और उस दिन दोबारा कीर्तन होता है और मधुकरी का वितरण होता है। मंदिर पुजारी किशोर जी, जिन्होंने बताया है किस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने भगवान मदन मोहन की आराधना की थी और उनकी याद में आज भगवान मदन मोहन पगड़ी धारण नहीं करते। मदन मोहन जी के भक्तों के ऐसे अनेक किस्से हैं जहां मदन मोहन ने अपने भक्तों पर विशेष कृपा करी है। आज इस मौके पर मदन मोहन जी से यही प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी की कृपा सभी भक्तों पर ऐसी बनी रहे और सभी शांत और खुशहाल रहें। मनोज जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज, करौली।